उत्तर प्रदेश के बस्ती में बंद पड़ी चीनी मिल की कुछ हिस्सों की नीलामी के विरोध में 3 कर्मचारी कई फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ गए। इन लोगों ने करीब 2 साल से सैलरी नहीं मिलने का आरोप लगाया और अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसकी वजह से चीनी मिल में मौजूद दूसरे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच तिरंगे के साथ 2 कर्मचारी मिल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़े हो गए, जबकि उनका एक साथी पेट्रोल से भरी बोतल लेकर चिमनी के दूसरे हिस्से में डट गया। लोगों के समझाने के बावजूद तीनों कर्मचारियों ने वहां से उतरने से मना कर दिया, जिसके बाद नीचे खड़े कर्मचारियों ने योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। परमानेंट कर्मचारियों का 22 महीने से वेतन बाकी है और सीजनल कर्मचारियों का जो है 3 साल से रिटेनिंग बाकी है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि सामान न जाए, क्योंकि जो जितना कम वैल्यूएशन से जा रहा है उसमें किसी कर्मचारी का भुगतान नहीं हो पाएगा। इस चीनी मिल को बेचने की तैयारी में जुटे अधिकारियों ने फिर कर्मचारियों को मदद करने का अपना वादा दोहरा दिया। उन लोगों का जो भी देय था उसके संबंध में लेबर कमिश्नर द्वारा आरसी भी जारी की गई है, उस आरसी के क्रम में मिल का कुछ हिस्सा नीलाम भी किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी तीनों कर्मचारी काफी देर तक चिमनी पर डटे रहे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि दूरदर्शन के रिपोर्टर की मौत हो गई है। इस नक्सली हमले में 2 जवान घायल हुए। टीम निलावाया गांव के अरणपुर में एक पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए गई थी और तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में 12 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले। दंतेवाड़ा जिला में अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समेली कैंप है, उससे आगे नीलावाई करके एक जगह है, उधर हमारे एक पेट्रोलिंग पार्टी गए थे, उसके ऊपर एम्बुश हुआ। उस एम्बुश में अभी तक जानकारी अनुसार एक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप, एक सहायक आरक्षक मंगलू, 2 लोग शहीद हो गए थे। अभी ये जानकारी भी मिल रहा, साथ में दूरदर्शन न्यूज़ के एक कैमरामैन, वो भी उस घटना में उनका भी गोली लग गई और शायद वो भी उस घटना में उनका भी मृत्यु हो गई और 2 लोग का घायल होने की भी खबर आ रहा है। जो खबर आई है, एक दूरदर्शन के जो कैमरामैन है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उनके उसमें जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडियाकर्मी हैं और जितने भी लोग जो ऐसे ही खतरनाक जगहों पर जहाँ जाते हैं उसको कवर करते हैं, मैं आज उनको याद करता हूँ और उनके उनके शौर्य को याद करता हूँ कि वो वहाँ जाकर देश भर को वहाँ की इतला देते हैं। माननीय गृह मंत्री, जिन्होंने बयान दिया था कुछ दिन पहले कि नक्सलवाद को उनकी सरकार पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी, उसमें हमारा भी पूरे अनुमोदन है उस बात के लिए, पर इससे यही सोच बनती है कि सरकार पूरी तरह से सचेत है, खास तौर पे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो, कोई हमला ना हो, चाहे वो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दलों के नेता जो प्रचार में जाएंगे, पत्रकार हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या नक्सलियों की कोशिश की इस चुनावी प्रक्रिया में खलल पैदा किया जाए, लोगों को डराया जाए, और अब सरकारी एजेंसी इसके बाद क्या कह रही है? देखिए, पिछले 3 दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है और इस बार भी सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान ये कोशिश हुई है। तो नक्सलियों की लगातार ये कोशिश रही है कि चुनाव के दौरान भी सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए और पिछले 3 दिनों में जो 2 घटनाएं हैं इसी बात का नमूना है। और अब सरकारी एजेंसियां वापस एक बार अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही हैं कि किस तरीके से नक्सलियों की गतिविधियों को काबू किया जाए, चाहे वह चुनाव प्रचार का वक्त हो या फिर सुरक्षा बलों के मूवमेंट का हो। दोनों तरीके की रणनीतियों पर विचार चल रहा है कि कैसे हम ऐसी वारदातों को रोकें। शुक्रिया। अंबिकापुर के पास छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर पर नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया। पुलिस का दल वहां तलाशी अभियान पर निकले थे, जहां चुनाव से नक्सल मुक्त जिले अंबिकापुर में भी नक्सलियों ने धमाका कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। मुंबई के भांडुप में कैब सर्विस ओला उबर की हड़ताल में शामिल नहीं होने पर कुछ लोगों ने एक ड्राइवर की पिटाई कर दी। आरोप है कि पीड़ित ड्राइवर हड़ताल के बावजूद लोगों को पुणे से मुंबई लेकर पहुंच गया।
जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में लेकर गए जहां इस ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई। कपड़ा निकल। इस दौरान मार खा रहा ड्राइवर इन लोगों से माफी मांगता रहा, लेकिन रुकने की बजाय ये लोग ड्राइवर को पीटते रहे। इसके बाद एक आदमी बेल्ट लेकर वहां पहुंचा और बेल्ट से ड्राइवर की पिटाई कर दी। काफी देर पिटाई के बाद इन लोगों ने ड्राइवर से उसके कपड़े उतरवाए और फिर उससे उठक बैठक लगवाई। ड्राइवर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पीड़ित ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।